नमस्कार, मैं हूं मनोहर मनोज। पुनः कार्यक्रम सत्य असत्य और अर्ध सत्य में दोस्तों, आज हम बात करेंगे देश के राजनीतिक पटल पर देश की तमाम पिछड़ी आबादी की जनगणना को लेकर हो रही मांग पर। दोस्तों, पिछले दिनों में भारत के राजनीति के पटल पर जिस खबर ने, जिस डेवलपमेंट ने सबसे ज़्यादा सुर्खियां बटोरी, जिसको लेकर के सबसे ज़्यादा राजनीतिक पंडितों का ध्यान खींचा, वह ये था कि देश में जो करीब कथित रूप से 50 से 60% जो पिछड़ी की आबादी है, पिछड़ी जातियों की आबादी है, उसकी विगत की जनगणना को सार्वजनिक किया जाए और इस साल 2021 का जो सेंसस हो रहा है उसमें खास तौर पे तमाम जातियों की जनगणना की जाए। दोस्तों, यह एक बड़ा ही भारत के लोकतांत्रिक राजनीति का अहम मौजू है। बताते चलें कि भारत, जहाँ पर कि हिंदू मेजोरिटी देश है, जहाँ की 85% आबादी हिंदू धर्म की है, उस धर्म की मूल पहचान, शुरुआती पहचान जातियों से है। यानी कि हिंदू जाति, हिंदू धर्म देश के हजारों की संख्या में जातियों का, उपजातियों का, बिरादरियों का, जो देश के अनेकानेक हिस्से में अलग-अलग सांस्कृतिक रूप से, भौगोलिक रूप से, ऐतिहासिक रूप से, सभ्यता के रूप से, सामाजिक तौर पे जो अपनी एक सांगठनिक पहचान अरसों से, बरसों से, शताब्दियों से बनाते चले आए हैं, उनकी जनगणना की मांग हो रही है। दोस्तों, भारत के लोकतंत्र में भारत की जो जातीय पहचान है वो बेहद महत्वपूर्ण मुद्दा रही है। कहने के लिए तो हम गाहे बगाहे सेकुलरिज्म की बात करते हैं, हम मेजोरिटिज्म की बात करते हैं, माइनोरिटिज्म की बात करते हैं, लेकिन भारतीय लोकतंत्र की अगर जो पहले नंबर की जो विशिष्टता है वो है इसका जातीय स्वरूप। अगर हम भारतीय लोकतंत्र को घोषित रूप से जातीय लोकतंत्र ना कहें, लेकिन अघोषित रूप से यह भारतीय लोकतंत्र की सबसे बड़ी सच्चाई है कि यह भारतीय लोकतंत्र दरअसल जातीय लोकतंत्र है। यानी कि लोकतंत्र के आगमन के बाद जब समाज में, सिस्टम में और देशों में जब तमाम पुरातन राजनीतिक अवधारणाएं खंडित हो गईं, यानी कि हिंसा का सहारा नहीं होगा, राजे रजवाड़ों का अस्तित्व नहीं होगा, निजी सेना का कोई अस्तित्व नहीं होगा, जिसकी लाठी उसकी भैंस का एक तरह से चलन नहीं होगा, जो व्यक्ति आया फौज बना करके और ताकत के बल पर किसी टेरिटरी को लूट लिया, वहाँ के औरों के साथ, औरतों के साथ बदसलूक कर लिया और वहाँ के आसीन राजा को हड़ा करके उसे अपने में मिला लिया और उस पर जो है अपना नया राजपाट कायम कर लिया, इस तरीके से हमारी पूरी दुनिया की सभ्यता में राज रजवाड़ों का, राजनीति का और पॉलिटिकल डोमेन का एक तरह से सफर चलता आया है। लेकिन लोकतंत्र ने जो यूरोप में 16वीं शताब्दी में जो लोकतंत्र का आगमन अपने अपने तरीके से हुआ, जिसमें कि संसद और राजा के बीच में एक ग्लोरियस रेवोल्यूशन के नाम से वह समझौता हुआ जिसमें राजा का अस्तित्व तो रहेगा लेकिन मूल शासन व्यवस्था लोकतंत्र के जरिए परिचालित होगी। यानी कि पिछले 400 सालों में, करीब करीब चार साढ़े तीन 400 सालों में व्यवस्था ये हुई कि लोकतंत्र के जरिए आधुनिक राज व्यवस्थाएं चला करेंगी जिसमें कम से कम हिंसा के लिए जगह नहीं होगी, जिसमें मतदान के जरिए राजकाज के इच्छुक व्यक्तियों का जनता चयन करेगी और उसे राजकाज का ओहदा प्रदान करेगी और उसके जरिए शासन और प्रशासन का संचालन होगा। यानी लोकतंत्र के जरिए कुछ न कुछ जो 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 एक निजाम का जो चेहरा था, निजाम की जो प्रणाली थी, पूरे निजाम की जो प्रक्रिया थी, उसमें एक तरह से स्थूल बदलाव आ गया। लेकिन जो हमारे पुरातन काल में, प्राचीन काल में, मध्य युग में जो तमाम तरह की सामाजिक व्यवस्थाएं और राजनीतिक व्यवस्थाएं चलन में थीं,
यानी कि राजनीतिक व्यवस्था के तहत रजवाड़े चलते थे, सामाजिक व्यवस्था के तहत सामंतों, जागीरदारों और जमींदारों का बोलबाला था, और दास प्रथा जो है उसके तहत जो है तमाम लोग, दबे कुचले लोग, पीड़ित लोग, उपेक्षित लोग सामाजिक दासता की बेड़ियों में रहे। राजनीतिक पटल पर एक साम्राज्यवाद का दौर आया। आधुनिक लोकतंत्र में ये सारे वाद, यानी कि सामंतवाद, जागीरवाद, क्या बोलते हैं, पुरोहितवाद, राजे रजवाड़े, लोकतंत्र में भी आधुनिक स्वरूपों में अपने चेहरे बदल करके अपने अपने तरीके से लोकतंत्र की प्रक्रिया के तहत समायोजन कर अपने अपने इन्होंने स्पेस को गढ़ लिया था, अपने अपने स्थान को एक तरह से पैबंद कर लिया था, और आधुनिक लोकतंत्र की राजनीति में उनकी भी भागीदारी सुनिश्चित हो रही थी। दोस्तों, भारत के समाज को जब हम अध्ययन करते हैं या भारत के हिंदू धर्म पर जब हम गौर फरमाते हैं तो यह पाते हैं कि यह क्रिश्चियनिटी और इस्लाम की तरह का एक संगठित रिलीजन नहीं है, जिसके फॉलोअर्स की एकमात्र पहचान उसके धर्म से तय होती है। भारत में हिंदू धर्म कहने के लिए जरूर है, लेकिन वह एक बाहरी आवरण की तरह है, जिस आवरण के अंतर्गत हजारों जातियों का अपना एक सामंजस्य बना हुआ है। यह ठीक है कि काल के क्रम में उन हिंदू धर्म की हजारों जातियों को जो अपने को उपेक्षित समझती थीं, जो समाज के पावर स्टेटस में अपने को कहीं ना कहीं पीड़ित समझती थीं, दोयम दर्जे का समझती थीं, उन्हें यह अवसर मिला कि भारत में जो तमाम धर्मों का अभ्युदय हुआ उसके तहत उन्होंने अपने रिलीजन को चेंज कर लिया, धर्मांतरण कर लिया, और कहीं ना कहीं भारत में मुस्लिमों की, ईसाइयों की एक तरह से काफ़ी फॉलोवर्स की भी संख्या हो गई, और भारत केवल हिंदुओं का देश नहीं रह गया बल्कि इस्लाम को मानने वाले, क्रिश्चियनिटी को मानने वाले, और कहीं ना कहीं हिंदू धर्म के विदिन द टेरिटरी अलग अलग पंथों का आगमन हुआ, जिससे हमने अपने ऐतिहासिक कालक्रम में देखा कि जैन धर्म आया, बुद्ध धर्म आया, सिख धर्म आया, जो सांगठनिक रूप से कहीं न कहीं अरब के इस्लाम से प्रभावित था, लेकिन उसकी आत्मा और अक्ष वो भारत के स्वदेशी हिंदू धर्म को ही जगाए रखना चाहती थी। एक अलग पंथ के रूप में सिख धर्म का आगमन हुआ, उसी हिंदू धर्म में अलग अलग सामाजिक टेरिटरी को लेकर के, अलग अलग सामाजिक रिवायत को लेकर के, सामाजिक चलन को लेकर के अलग अलग क्रांतियाँ हुई, प्रतिक्रांतियाँ हुई, नए नए विचारों का समागम हुआ, नए संस्थाएं आई, नए संगठन आए, नया विचार प्रवाह आया, उसके तहत आर्य समाज, ब्रह्म समाज, प्रार्थना समाज, रामकृष्ण मिशन, तमाम जैसे जो है पंथ और अपनी अपनी विचारधाराएं अध्यात्म का आवरण ओढ़े चली आईं। लेकिन दोस्तों, आज का मौजू ये है कि भारत में किस तरीके से लोकतंत्र दरअसल जातीय लोकतंत्र के स्वरूप में चलता है, और इसी जातीय लोकतंत्र का ये तकाजा है कि भारत के तमाम सियासी दल, तमाम राजनीतिक दल यह पुरजोर मांग कर रहे हैं कि देश की बहुसंख्यक पिछड़ी जाति की जनगणना को सार्वजनिक किया जाए, और उसके बाद जब जनगणना सार्वजनिक हो जाएगी तो अलग अलग तरीके से वोट बैंक, अलग अलग तरीके से तमाम जातियों के नुमाइंदे, जातियों के राजनीतिक दल और जातियों की राजनीतिक सत्ता में हिस्सेदारी, संसद, विधानमंडल और तीन टायर के इस चतुर्खंभीय लोकतंत्र में उनकी जो है हिस्सेदारी बढ़ेगी, उनका वर्चस्व बढ़ेगा, और भारतीय लोकतंत्र का यह नया स्वरूप अपने नए मकाम को प्राप्त करेगा। लेकिन दोस्तों, इस घटनाक्रम से अगर आप बिल्कुल तसल्ली से गौर करें और भारतीय लोकतंत्र के असल स्वरूप को अगर जानें और लोकतंत्र के महान आदर्शों की तरफ भी गौर करें तो बड़ा दुख होता है, बड़ा कष्ट होता है। यह ठीक है कि भारत की समाज व्यवस्था तमाम सवालिया निशानों के घेरे में रही है, पुरोहितवाद, श्रेष्ठतावाद, सवर्णवाद, ऊंची जाति का वाद, कुलवाद, न जाने कितने कितने वादों से भारतीय समाज व्यवस्था ग्रसित रही, और उसका हमने खामियाजा भी भुगता। हमारा देश न केवल राजनीतिक रूप से गुलाम हुआ, सामाजिक रूप से भी जो है विखंडन और विश्रृंखलता का शिकार हुआ। देश में जो धर्मांतरण हुआ वो कहीं न कहीं राष्ट्रांतरण में तब्दील हो गया, हमारे देश के तीन टुकड़े हो गए। समाज व्यवस्था में सांगठनिक स्वरूप
नहीं होने से हमारे लोकतंत्र को वास्तविक रूप से जो फायदा मिलना चाहिए, सुशासन के रूप में, बेटर गवर्नेंस के रूप में, प्रतियोगी लोकतंत्र के रूप में, आम लोगों की ज़्यादा बेहतरी के रूप में, कमजोर लोगों के सशक्तिकरण के रूप में, वह दृष्टिगोचर नहीं हो पाया, क्योंकि हमारे लोकतंत्र का जो मेन डोमेन बना वह जाति का बना। कहीं ना कहीं उन तमाम जातियों की राजनीतिक सत्ता में एक सिंबॉलिक हिस्सेदारी का बना, जिसमें उन पिछड़ी जातियों के, दलित जातियों के, दमित जातियों के, वंचित जातियों के, कमजोर जातियों के व्यापक सशक्तिकरण का एजेंडा परवान नहीं चढ़ पाया। दोस्तों, अभी जो इस पिछड़ी जाति की जनगणना की मांग हो रही है, उससे भारतीय राजनीति के जो उन एक तरह से शुरुआती नियामकों ने और शुरुआती रहनुमाओं ने जब देश में इंपीरियलिज्म के खिलाफ, देश में साम्राज्यवाद के खिलाफ जो लंबी लड़ाई लड़ी गई, जिसके न केवल पॉलिटिकल डोमेन खोले गए, जिस समय सोशल डोमेन भी खोले गए, जब गांधी ने छुआछूत के खिलाफ, अस्पृश्यता के खिलाफ, श्रेष्ठतावाद के खिलाफ अभियान चलाया और अपने तरीके से देश में एक नए समाज के निर्माण का बिगुल बजाया, इसी तरीके से अलग अलग बौद्धिक फ्रंट पर, सांस्कृतिक फ्रंट पर भारत में एक नवजागरण काल चला 19वीं शताब्दी में, अलग अलग रहनुमा आए और अलग अलग तरीके से भारतीय समाज व्यवस्था को बदलने का काम किया और भारत की वह कथित जो हिंदू जो धर्म थी, जिसके तहत जो तमाम अलग अलग जो फलक थे, जिसमें तमाम कुरीतियाँ चल रही थीं, चाहे वो सती प्रथा हो, छुआछूत प्रथा हो, जातिवाद हो, श्रेष्ठतावाद हो, अगड़ावाद हो, पिछड़ावाद हो, या आपस में नहीं घुलने मिलने की जो परिपाटी हो, जो कहीं ना कहीं उसका स्वरूप हमें आज भी दिखाई देता है। लेकिन कुल मिलाकर के राजनीति एक शक्ति का विज्ञान है और शक्ति यानी कि जिसमें कि धन सत्ता, और हमने पहले कहा कि जो सामंती थे, जो मध्य युग के जो बड़े धनवान थे, जो बड़े रसूख वाले थे, वो इस मॉडर्न लोकतंत्र में भी अपना स्पेस बना चुके थे, अपना ओहदा बना चुके थे, अपना कुनबा और अपना औरा डेवलप कर चुके थे, और वो तमाम पिछड़ी जातियां, निरक्षर जातियां, जो अनजान थीं, गवार थीं, जो जागरूक नहीं थीं, जो अपने अधिकारों के बारे में बाखबर नहीं थीं, बेखबर थीं, जिन्हें अपने बारे में पूरी जागरूकता नहीं थी, जो मॉडर्न सिस्टम को, गवर्नेंस को, ब्यूरोक्रेसी को, तमाम व्यवस्था को समझने में नाकाम हो रहे थे, वो कहीं ना कहीं हमारे समाज के अगुआ लोगों, जो कहीं ना कहीं जातीय रूप से सवर्ण थे, उनके द्वारा पोषित होते आए। लेकिन भारतीय लोकतंत्र ने जब अपने एक तरह से शुरुआती दौर में जब अपना आगाज किया, जब यह तय हो गया कि भारत का जो स्वतंत्र निजाम होगा, भारत की जो नई हुकूमत होगी, वह लोकतंत्र से परिचालित होगी, वहाँ समाजवाद का आगमन होगा, वहाँ सेकुलरवाद को अपनाया जाएगा, वहाँ अवसर की समानता होगी, लेकिन दोस्तों, दुर्भाग्य से ये सारी बातें केवल सिद्धांत में थीं, व्यवहार में कुछ और ही हो रहा था, सोशल डायनेमिक्स कुछ और ही काम कर रही थी, सेकुलरवाद के भी बजाय देश का धार्मिक विभाजन हो गया था, वह एक अलग एक बहुत बड़ी चोट आज़ादी के बाद शुरुआत में ही मिल गई थी, और उसके बाद भारतीय लोकतंत्र में संविधानवाद के तहत यह व्यवस्था सबसे पहले की जानी चाहिए थी कि भारत का समाज जो बहु आइडेंटिटी समाज है, जहां पर तमाम तरह की पहचान मौजूद है, और उसकी सबसे जीती जागती और सबसे बड़ी पहचान वह जातिवाद, वह कुनबा परस्ती, वह बिरादरीवाद, जहां एक जातियों में अनेकों अनेक उपजातियां जहां होती हों, जहां जातियों की अपनी आर्थिक पहचान नहीं, सांस्कृतिक, सामाजिक, क्षेत्रीय और भौगोलिक पहचान रही है, और सब जातियों ने ठीक धर्मों की तरह अपने इतिहास लिखे हैं, अपने इतिहास बनाए हैं और अपनी जातियों पर गर्व करते आए हैं, जिस तरीके से कोई व्यक्ति अपने धर्म पर गर्व करता है, अपने राष्ट्र पर गर्व करता है, अपने इतिहास पर गर्व करता है, तो ऐसे में जब लोकतंत्र का अभ्युदय हो रहा था, संविधान निर्माताओं को यह तय करना चाहिए था कि यह भारतीय लोकतंत्र, जिसमें मताधिकार के जरिए, बहुमत के जरिए सत्ता के निजाम का चयन होगा, वहां पहचान के लिए कोई जगह किसी भी सूरत में नहीं छोड़नी चाहिए थी,
लेकिन ये एक भयानक भूल हो गई कि भारत की मौजूदा जातीय व्यवस्था भारतीय लोकतंत्र की राजनीतिक एक तरह से प्रक्रिया में नए सिरे से पोषित होने लगी। एक तरफ 19वीं शताब्दी में भारत में पुनर्जागरण का दौर आया, जबकि सती प्रथा, विधवा प्रथा, छुआछूत, अस्पृश्यतावाद या तमाम तरह के जो सामाजिक विकार थे, जो कुरीतियां थीं, उसके खिलाफ हमला किया गया और उसमें कहीं ना कहीं जातिवाद का भी एक बहुत बड़ा फैक्टर था। गांधी ने निर्णायक रूप से जातिवाद पर हमला किया। उसके पहले हिंदू धर्म के तमाम विखंडन को लेकर के आर्य समाज ने एक बहुत बड़ा हमला किया और इतिहास के गर्त में देखें तो बुद्धिज्म का आगमन ही हुआ था, जिसमें हिंदू धर्म में पुरोहितवाद पर, कर्मकांडवाद पर और ब्राह्मणवाद पर हमले कर नीची जातियों को एक बहुत बड़ी जबान दी गई थी और कहीं ना कहीं वो धार्मिक सत्ता के जरिए जो सामाजिक सत्ता और राजनीतिक सत्ता की जो एक लंबी लड़ाई चली, उसके तहत बुद्धिज्म और हिंदुज्म एक दूसरे के करीब आ गए और हिंदू धर्म के अनेकानेक पंथ कहीं ना कहीं उस हिंदू धर्म के विराट समागम के ही साए तले आपस में एक सामाजिक सरोकार से युक्त, सहिष्णुता से युक्त और एक ताने बाने का एक वृहत्तर हिंदू समाज के रूप में चल रहे थे। लेकिन दोस्तों, जो हिंदू धर्म का जो बिरादरीवाद है, जिसे मैं कहता हूं कि हिंदू धर्म मूल रूप से संगठित धर्म नहीं है, यह तो जातियों का फेडरेशन है बल्कि कन्फेडरेशन है, और ये एक एडजस्टमेंट हुआ है कि हिंदू धर्म के आवरण में हम अपने धार्मिक सांगठनिक स्वरूप को इस तरीके से जिंदा रखेंगे, अन्यथा हमारी प्राथमिक पहचान तो जातीय पहचान ही रहेगी। लेकिन लोकतंत्र के आगमन के बाद जहां देश में पुनर्जागरण, औद्योगिकरण, सांस्कृतिकरण, शैक्षिककरण और तरह तरह के नए विचार जो यूरोपीय सभ्यता के मध्ययुगीन यूरोपीय सभ्यता में जो जितने नए नए परिवर्तन हुए, चाहे धर्म सुधार आंदोलन का हो, पुनर्जागरण का हो, औद्योगिक क्रांति का हो, फ्रांस की क्रांति के जरिए नेशन स्टेट की परिकल्पना हो, या धर्म और राज्य की अलग अलग टेरिटरी हो, सेकुलरिज्म का दौर हो, लोक कल्याणकारी राज्य की व्यवस्था हो, समाजवाद जो रूस के बोल्शेविक क्रांति से जागृत हुआ, उन सब का एक तरह से कॉकटेल बना करके भारतीय राज व्यवस्था ने तो अपना लिया, लेकिन अपनी मूल स्वरूप जो जातिवाद जो एक सांस्कृतिक डोमेन में थी, और वह जातिवाद भी बदलते कालक्रम में भारत में शहरीकरण, औद्योगिकरण और नए तरीके से नए निजाम के तहत जो मिट रहा था, जब वो भेदभाव दूर हो रहे थे, जब पढ़े लिखे लोग किसी भी तरीके की जातीय आग्रह, दुराग्रह, सुपरिटी और इन्फीरियरिटी, श्रेष्ठता भाव और हीनता भाव से अपने को वंचित कर एक नए समाज की रचना में लगे थे, लेकिन दुर्भाग्य से भारत की लोकतांत्रिक राजनीति की रीति और नीति ने, जिसके लिए शुरुआत के जो हमारे रहनुमा थे, चाहे वो नेहरू हों, पटेल हों, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हों, महात्मा गांधी हों, अगर इन्होंने दूरदर्शिता से भारतीय लोकतंत्र के लिए जातिवाद के नासुर को उसी समय जड़ मूल से खत्म कर दिया होता, जिसके लिए संविधान में एक प्रावधान लाना था कि हम जातियों को किसी भी तरीके से येन केन प्रकारेण, चाहे वो वोट बैंक बनाने की दृष्टि से हो, राजनीतिक दलों द्वारा चुनावी उम्मीदवार तय करने की दृष्टि से हो, राजनीतिक व्यूह रचना बनाने की दृष्टि से हो, राजनीतिक दलों के रेगुलेटर चुनाव आयोग को ये पूरा इम्पावर्ड करेंगे कि वह किसी भी तरीके की जातिवाद की भनक या संप्रदायवाद की भनक या किसी भी तरीके की पहचान की राजनीति अगर राजनीतिक दल अपनाएंगे तो उन्हें प्रतिबंधित कर दिया जाएगा, उन्हें जो है एक तरह से बिल्कुल अमान्य कर दिया जाएगा, और राजनीतिक दलों को इस बहुदलीय लोकतंत्र में आपस में प्रतियोगिता करने का जो आधार दिया जाएगा उसमें केवल केवल और केवल जो है गुड गवर्नेंस की जगह होगी, सुशासन की जगह होगी, समाज के तमाम तबकों की भलाई, कल्याण, आर्थिक तरक्की और कल्याण की होगी, और इसके तहत राजनीतिक दल आपस में प्रतियोगिता करेंगे। लेकिन दुर्भाग्य से कांग्रेस पार्टी, जो देश के आज़ादी के आंदोलन की सबसे अगुआ पार्टी थी, देश के सेकुलरिज्म की चैंपियन थी, लेकिन देश का सांप्रदायिक बंटवारा नहीं रोक पाई, उस कांग्रेस पार्टी को आज़ाद भारत में लोकतंत्र में
नए सिरे से शासक पार्टी के रूप में महात्मा गांधी ने कभी भी इंडोर्स नहीं किया। कहा कि कांग्रेस पार्टी को एक स्वायत्त संगठन हो जाना चाहिए और सत्ताधारी दल बनने के लिए उसे एक अलग कांग्रेस का गठन करना चाहिए और तमाम अन्य राजनीतिक दल जो नए पॉलिटिकल प्लेयर बनने थे उन्हें एक बराबर लेवल प्लेइंग फील्ड प्रदान करना चाहिए। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने बड़े तरीके से, चूंकि कांग्रेस पार्टी जो आज़ाद भारत की कांग्रेस पार्टी है और जो पराधीन भारत की जो कांग्रेस पार्टी है, दोनों के चाल, चेहरा और चरित्र में बुनियादी फर्क है। यह ठीक है कि कांग्रेस के आज़ाद भारत की रहनुमाई जवाहरलाल नेहरू ने किया, जो एक मैन ऑफ विजन और एक मैन ऑफ स्टैचर थे, जिनका देश के नवनिर्माण में एक बहुत बड़ा योगदान है जिससे इनकार नहीं किया जा सकता, चाहे वो भारत में लोकतंत्र का फाउंडेशन बनाना हो, उदारवाद का एस्टेब्लिशमेंट करना हो, या आधुनिकीकरण और औद्योगिकरण की राह पर भारत को ले जाना हो, या धार्मिक और सांप्रदायिक सामंजस्य बनाना हो। लेकिन भारतीय लोकतंत्र के असल नासुर, भारतीय लोकतंत्र के लिए असल बीमारी जातिवाद को लेकर के वो कोई दीर्घकालीन फॉर्मूला नहीं बना पाए और कहीं ना कहीं वह विराट कांग्रेस पार्टी भी, जो आज़ादी के बाद भारत की सबसे मजबूत राजनीतिक पार्टी थी, जिसे किसी भी दल से कोई चुनौती दूर दूर तक नहीं मिलनी थी, उस पार्टी ने भी भारतीय लोकतंत्र में अपने वोट बैंक बनाने के लिए कुछ खास खास जातियों का समीकरण बनाया, और जिसमें कहीं ना कहीं, मैं नाम नहीं लेना चाहता था लेकिन इस चीज को स्पष्ट करने के लिए बताना पड़ेगा, कि उन्होंने ब्राह्मण, दलित और मुस्लिमों का एक ट्राई कॉम्बिनेशन बनाया और उसके तहत जातिवाद की राजनीति का भारतीय लोकतंत्र में बीजारोपण हुआ, और कहीं कहीं विपक्षी दलों ने भी उसी व्यूह रचना के आधार पर, उसी जातीय आधार पर भारतीय लोकतंत्र में प्रतियोगिता करते आए। और 1960 के दशक में जब समाजवादी विचारधारा भारतीय राजनीतिक पटल पर जब प्रिवेल करती है, तो उनके जातिवाद का जो एजेंडा होता है वह पिछड़ावाद होता है, और वो नारा देते हैं कि 100 में 60, यानी कि 60% जो तमाम पिछड़ी जातियां हैं, और तब फिर पिछड़ी जातियों का भी एक तरह से प्रतिक्रिया में राजनीतिकरण होता है। और कहीं ना कहीं अंबेडकर के द्वारा 10 साल के रिजर्वेशन के बहाने भारत में दलित जातियों का एक अलग पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेटिव डोमेन तो पहले से ही तैयार हो गया था, लेकिन कहीं ना कहीं वह कांग्रेस की वोट बैंक हुआ करती है, और बाद में ये सारे वोट बैंक, चाहे पिछड़ों का हो या दलितों का हो या अगड़ों का हो, ये स्प्लिट होता है। और फिर जब भारतीय जनता पार्टी का आगमन होता है विपक्षी दल के रूप में, जिसका कि शुरुआत जनसंघ से होता है, तो उस पार्टी ने भारतीय लोकतंत्र में अपनी पहचान की राजनीति से तो अपने को विलग तो नहीं किया, लेकिन उन्होंने पहचान की राजनीति का अवयव जाति को नहीं, धर्म को चुना, क्योंकि उस अवयव को चुनने के पीछे कहीं ना कहीं वो ऐतिहासिक कारण जिम्मेदार थे कि देश का सांप्रदायिक विभाजन हुआ था और कश्मीर को लेकर के, जो एक मुस्लिम मेजोरिटी का प्रोविंस था, फिर से भारत में सांप्रदायिक अलगाववाद फैल रहा था, और उस विचारधारा की कोख से उपजी भारतीय जनसंघ, जो भारतीय जनता पार्टी बनती है, तो वह धर्म का कार्ड खेलती है, और उस धर्म के कार्ड के अंदर में वह भारतीय लोकतंत्र में चल रही, विकसित हो रही जाति के कार्ड से मुकाबला करने में अपने को असहज पाती है, और वह फिर वह भी जातीय राजनीति में कूदती है और कहीं ना कहीं अपना वो ब्राह्मण और बनिए का कॉम्बिनेशन बनाती है। वह भी जातीय राजनीति, उसके भी अंतरतम की सच्चाई है, भले ऊपर की सच्चाई सांप्रदायिक राजनीति हो। फिर जो है दलितों का एक अलग राजनीतिक धारा प्रस्फुटित होती है, वो होती है बहुजन समाज पार्टी के रूप में, पिछड़ों के लिए जो लोहियावाद ने जो एक 100 में 60 का नारा दिया, उसके तमाम एक तरह से उनके जड़, उनके अलग रक्त बीज के रूप में तमाम जो है पिछड़ीवादी पार्टियों का आगमन होता है, जिसमें कि लोक दल, जिसमें कि जनता पार्टी, जिसमें कि राष्ट्रीय जनता दल, जिसमें कि जनता दल के तमाम बड़े अलग अलग परिवार, जिसमें कि नेशनल लोक दल और वगैरह वगैरह। तो कुल मिलाकर के भारतीय लोकतंत्र की जातिवाद इतनी बड़ी सच्चाई है, जो अपने आप में घोर दुर्भाग्यजनक है, क्योंकि दोस्तों जातिवाद का इतिहास या जातियों का इतिहास हजारों साल पुराना है, और जब हम उसके कल्चरल डोमेन में जाते हैं तो हमें कोई फर्क, हमें कोई नुकसान नज़र नहीं आता,
भारतीय समाज व्यवस्था में अलग अलग तरीके के लोग पहचान बनाते हैं, जैसे आधुनिक व्यवस्था में पहचान बनती है पेशे के आधार पर, अलग अलग तरीके से प्रोफेशनल्स के आधार पर, रीजन के भी आधार पर बन जाती है, सब रीजन के आधार पर बन जाती है, कल्चर के भी आधार पर बन जाती है। लेकिन भारत में जो ये जातियों का जो पहचान है, कल्चरल रूप से तो सही था, लेकिन राजनीतिक डोमेन में आकर के जो जाति सांस्कृतिक रूप से सामाजिक रूप से खत्म हो रही थी, भारतीय लोकतंत्र के चलन ने उस जातिवाद को और पनपाया, और पुष्पाया, और पल्लवित किया। और आज जब ये मांग उठ रही है कि जातियों का एक तरह से जनगणना की जाए, उसे पब्लिक डोमेन में लाया जाए, इससे कहीं ना कहीं भारतीय लोकतंत्र में होने वाली राजनीति अब एक नए आयाम को प्राप्त करेगी। और ये मांग इस बात का तकाजा है कि भारतीय राजनीति के तमाम प्लेयरों के लिए आज भी आइडियोलॉजी, गुड गवर्नेंस की, सुशासन की, मजलूमों के सशक्तिकरण की, विकास की, सामाजिक उत्थान की, और एक प्रोग्रेसिव, मॉडर्न, हाईटेक, जहां पर कि अवसर की पूरी समानता हो, जहां पर कि किसी भी तरीके से श्रेष्ठतावाद के लिए कोई जगह नहीं हो। दोस्तों, ये बताना पड़ेगा कि भारत में जातिवाद के लिए पिछड़ी जातियों का जो रिएक्शन है वह एक असुरक्षा के भाव से उपजा है। भारत में जातिवाद के लिए प्रमुख रूप से जिम्मेदार भारत का वो सवर्ण जाति है जिसे गाहे बगाहे अंदर में कहीं ना कहीं श्रेष्ठ का भाव छिपा होता है, जो पब्लिक रूप से आरक्षण का विरोध तो करती है, योग्यतावाद की बात तो करती है, लेकिन वह कभी भी पिछड़ों के सशक्तिकरण की मांग को पुरजोर आवाज नहीं देती। केवल इस बात का वो उल्लेख कर देती है कि आप उनकी पढ़ाई पर ध्यान दीजिए, आप क्यों नहीं उन हजार सालों से दमित जातियों के लिए, पिछड़ी जातियों के लिए, वंचित जातियों के लिए सरकारों से ये पुरजोर मांग करते हैं कि समाज, सिस्टम और सरकार के तमाम अंगों में जो 80% आबादी दलित और पिछड़े के रूप में वंचित है, उनके लिए 80% अवसर अनेकानेक रूप से प्राप्त हो। दुख की बात यह है कि हमारे सिस्टम में और समाज में नारा जरूर चलता है सामाजिक न्याय का, इमोशन जरूर दिया जाता है राजनीति में वोट बैंक का, लेकिन जब आप तमाम स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों, ब्यूरोक्रेसी के रैंक और फाइल, आर्मी में, उद्योगपतियों में, जमीन धारकों में, शहर के निवासियों में, उपभोक्ताओं में, बड़े पढ़े लिखे लोगों में, या समाज के मेन स्ट्रीम में अगर आप जनगणना करें, जो जनगणना ज़्यादा उनका फायदा करेगी, बजाय कि सिर्फ जातियों की गणना, बजाय कि उनकी यह गणना की जाती कि उनके आर्थिक इंडिकेटर, सोशल इंडिकेटर और ह्यूमन डेवलपमेंट के इंडिकेटर कितने हैं, तो निजाम को उसके मुताबिक बदलने की मांग उठती, न कि जनगणना की मांग उठती। चूंकि इस जनगणना की मांग के जरिए और इसे पब्लिक किए जाने के जरिए भारत के लोकतंत्र में चल रही जातीय राजनीति और अपना विशाल, विद्रूप और विकृत स्वरूप अख्तियार करेगी, जो कहीं से भी भारत समाज के व्यापक भले के लिए नहीं है, कहीं से भी उन पिछड़ों, दलितों और दमितों के व्यापक भले के लिए नहीं है, उनके सशक्तिकरण की, उनके विराट सामाजिक न्याय की मांग वो दबेगी। और पॉपुलर पॉलिटिकल मांग की आरक्षण दे दो, उनके एमपी और एमएलए को टिकट दे दो, बस यही तक सीमित रह जाएगी। दोस्तों, पिछड़ों और दलितों के चंद लोग उस स्थान पर काबिज हो जाएंगे, लेकिन वह विराट मासेज का तबका, जब तक उस पर शिक्षा, स्वास्थ्य, विकास, उपभोग, आय, अवसर, जब उसको हम व्यापक रूप से नहीं प्रदान करेंगे, जिसके लिए गवर्नेंस की जरूरत है, और गवर्नेंस बेटर तभी होगा जब भारत की लोकतंत्र गवर्नेंस के मामले में प्रतियोगी होगी, न कि जातियों का लोकतंत्र चलेगा। अगर ऐसी बात है तो क्यों ना भारत के लोकतंत्र को जातीय लोकतंत्र घोषित कर दिया जाए और तमाम जातियों के नाम पब्लिक कर उनके लिए सीटें तय कर दी जाए। फिर ये भारतीय लोकतंत्र की ये चल रही हिपोक्रेसी हमेशा हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगी और हम भगवान भरोसे अपने समाज को, अपने राज व्यवस्था को और अपने सिस्टम को बदलने की बात जोहेंगे और ये फर्ज करेंगे कि पता नहीं ये कब ये सिस्टम सुधरेगा, कब ये व्यवस्था बदलेगी। दोस्तों, भारतीय समाज हर तरह से प्रगतिशील रहा, लेकिन दुख की बात यह है कि यह घोर प्रगतिशील रहा है, चूंकि भारतीय लोकतंत्र ने अपनी तमाम कमियों को दूर करने के बजाय
जातीय लोकतंत्र को और ज्यादा पुष्ट किया है, संपुष्ट किया है। जो सांप्रदायिक राजनीति 85% की मेजोरिटी राजनीति भारतीय जनता पार्टी करती है, उससे हो सकता है कि जातिवाद को कहीं ना कहीं चोट पहुंचती हो, लेकिन जब व्यूह रचना तय होती है चुनाव जीतने की, जब पार्टी के कार्यालयों में बैठ करके उम्मीदवारों की लिस्ट तय होती है, तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में भी जातिवाद वैसे ही कुलाचे भरता है जैसे अन्य पार्टियों में कुलाचे भरता है। उस मामले में जातिवाद करने में भारतीय जनता पार्टी कहीं भी 19 नहीं होती है। तो कहीं ना कहीं भारत में एक व्यापक पॉलिटिकल रिफॉर्म की दरकार है, एक ऐसा रिफॉर्म जहां पर बिना किसी जातिवाद के, बिना किसी आरक्षण के देश के तमाम वंचित तबकों को 80% राजनीतिक अवसर प्रदान करें, प्रशासनिक अवसर प्रदान करें, और ये समाज के जो वेस्टेड इंटरेस्ट हैं, जो समाज के जो मिडिलमैन तबके हैं जिसमें कि सवर्णों की बहुत आयत है, उनकी सत्ता को चोट पहुंचेगी। अन्यथा ये सवर्ण और अवर्ण, पिछड़े और अगड़े, दलित और संभ्रांत, जातियों का क्लैश केवल एक विभाजन रेखा खींचेगा, केवल वर्ग मित्र और वर्ग शत्रु बनाएगा। पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव पूरी होगी, सत्ता में लोग आ जाएंगे, कभी भी बुनियादी और विराट सुधारों के लिए उसके लिए रास्ता नहीं खुलेगा। दोस्तों, इस जातीय जनगणना का हम पुरजोर विरोध करते हैं, उसी के साथ साथ हम उन जातियों के व्यापक सशक्तिकरण कार्यक्रम का, एक दीर्घकालीन सशक्तिकरण कार्यक्रम की पुरजोर वकालत करते हैं, और राज व्यवस्था में, प्रशासन व्यवस्था में, समाज व्यवस्था में जो सवर्णों की, जो एक अंदर की एक बहुत बड़ी, जो एक तरह से लॉबी है, जो काबिज है, जो उस अपने सत्ता तंत्र से हटना नहीं चाहती है, उसे कहीं ना कहीं बिना जातियों का जिक्र किए उन कमजोरों, मजलूमों और अवसर प्राप्त संघर्ष करने वाले लोगों और योग्य लोगों से उसे रिप्लेस करने की जरूरत है, और इसी में भारतीय लोकतंत्र का भला है। दोस्तों, इसी नोट के साथ मैं अपने ये विचार आपके विचारार्थ छोड़े जाता हूँ कि आप इस पर मंथन करें और हमेशा सही विचार को, श्रेष्ठ विचार को तवज्जो दें। कभी भी भावना में आकर किसी गुट में न जाएं, न किसी के फैन बने, न ही किसी के जो है विद्रोह विरोधी बने। केवल और केवल सत्य प्रिवेल हो, केवल केवल अच्छाई प्रिवेल हो, इस बात की वकालत करें। तो इजाजत दीजिए, फिर मुलाकात होगी किसी सुलगते सवाल पर और बिलखते बवाल पर। नमस्कार, जय हिंद, गुड बाय, शब बखैर।